जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी जो शुगर लेवल है वो 300 के पार जा चुकी है। इस समय वो जेल में हैं। बार बार मांगने के बावजूद उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है ईडी के द्वारा। तो आपको क्या लगता है, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है? 54 यूनिट इंसुलिन डेली ले रहे हैं वो, और ये हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन बहुत सीरियस कंडीशन होती है, और जो अगर ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल है तो इसका असर जो है आँखों की रोशनी पड़ता है, किडनी पर पड़ता है, लीवर पर पड़ता है, हार्ट पर पड़ता है, मल्टीपल अगर फेलोर हो सकता है, जान भी जा सकती है। There's a company in Switzerland called Ipsomed. I'm a certified pump instructor, insulin pump instructor, incidentally, coincidentally. मेरे साथ अपने केस में 2-3 बार ऐसा हुआ है। एक बहुत फेमस फिल्म क्रिटिक थे मिस्टर बोरा, हिज इंसुलिन शॉट अप एंड वी वर गोइंग टू डू अ प्रोसीजर एंड सडनली वी रियलाइज हिज इंसुलिन वाज टचिंग 400. We stopped everything and he was admitted immediately. Insulin अगर नहीं मिलेगा तो body के सारे functions affect होंगे, blood sugar बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो vital organs हैं body के, heart है, kidneys है, दिमाग है, वो सब जो है long term में damage हो सकते हैं। तो insulin dependent व्यक्ति को insulin तो बहुत ज़रूरी चाहिए, रोकने का तो सवाल ही नहीं होता। तो EDA के देखिए, अरुण केजरीवाल जेल में आम खा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति में मीठा खाना चाहिए? ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है वो तो नुकसानदायक होता ही है, लेकिन अगर ब्लड शुगर लेवल लो है और भी डेंजरस होता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, पेशेंट की जान जा सकती है, जान भी जा सकती है। तो अगर ऐसी केसेस में अगर हमको खाने की जरूरत पड़ती है तो मीठा खाना पड़ेगा। कोई क्या खा रहा है वो डाइट डॉक्टर डिसाइड करता है, किसी टाइम पे उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है तो आम भी खाएंगे। देखिए, होता ये कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट शुगर होती है, जब उसको पेशेंट इंसुलिन लेता है तो कई बार उसकी शुगर जो है नॉर्मल, जो कि 70-80 के आसपास रहनी चाहिए, वो नॉर्मल से भी नीचे चली जाती है, और अगर वो 50 के नीचे चली जाती है तो पसीना आता है और दिल की धड़कन बंद हो सकती है, और इंसान विद इन मिनट्स वी कैन लूज अ पेशेंट। तो इसलिए उनको बोला जाता है, आप कहीं भी जा रहे हो, गाड़ी में हो या किसी और ऐसी जगह हो, तो अपने पास शुगर कैंडी रखो, कुछ बिस्किट रखो, या केला मिले तो खा लो, या चीनी का घोल पी लो।